मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रही थी मुंब्रा की, जिसमें 6 बच्चे एक बाइक पर स्टैंड कर रहे थे, दरअसल अब मुंब्रा पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की है। आपको बता दें कि ये गाड़ी जिसकी थी उसका नाम मनोज कुमार गुप्ता है और ये मुंब्रा के कौसा में इलाके में रहते हैं, और जो ये गाड़ी चला रहा था मनोज कुमार गुप्ता का बेटा ही है, जिसका नाम प्रीतम कुमार गुप्ता है। ये इसकी उम्र 18 वर्ष है। आपको बता दें कि ये बाप बेटे दोनों के ऊपर मुंब्रा पुलिस ने FIR दर्ज की है, और बाकी के स्टंट करते वक्त वीडियो में जो और 5 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, मुंब्रा पुलिस ने इन 5 बच्चों को नोटिस जारी किया है, और जो बाइक स्टंट के दौरान इस्तेमाल की गई थी उस बाइक को भी मुंब्रा पुलिस ने जब्त कर लिया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान जब FIR दर्ज की गई, उसके बाद जो बाइक चला रहा था जिसका नाम प्रीतम कुमार गुप्ता है, उसके पिता जो है मनोज कुमार गुप्ता, इन्होंने क्या कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है, सुनिए। मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, मेरे लड़के का नाम प्रीतम कुमार गुप्ता है। उसने कुछ दिन पहले MM वैली में बाइक पे स्टंट किया था, इसके वजह से पुलिस ने पकड़ के मुंब्रा चौकी लाई है, उसके ऊपर कार्रवाई की है, FIR दर्ज हुआ है और गाड़ी भी जमा हो गई है। मेरे ऊपर भी केस हुआ है, मैं भी चौकी में खड़ा हूँ, मेरे ऊपर केस हो गया है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अपने बच्चे को गाड़ी मत दीजिए, बिना हेलमेट बिना लाइसेंस का गाड़ी मत दीजिए चलाने को, अपने बच्चे को सेफ सुरक्षित रखिए।